नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे से। जी हां, उद्धव ठाकरे से पंगा लेकर क्या राज ठाकरे फंस गए हैं, और उद्धव ठाकरे से पंगा लेना अब राज ठाकरे को महंगा पड़ गया। दरअसल राज ठाकरे लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानबाजी का असर बड़े स्तर पर देखने को मिला, और सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने सीधे तौर पर मुसलमानों को खुला अल्टीमेटम दिया था। तो वहीं असद उद्दीन ओवैसी के करीबी सांसद और कई मुस्लिम नेताओं ने भी राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे जवाब अगर बोलना जानते तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां मुस्लिम नेता वो लगातार राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार राज ठाकरे को घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि राज ठाकरे भी फुल मूड में। लेकिन उद्धव ठाकरे से पंगा लेकर राज ठाकरे फंस चुके हैं। जैसा कि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के कई बयान को अनसुना जरूर कर दिया था, लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र में लगातार हालात खराब होते नजर आ रहे, महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि शायद राज ठाकरे के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, राज ठाकरे के खिलाफ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और राज ठाकरे ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है उससे उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर नाराज होते नजर आ रहे। राज ठाकरे का कहना है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा, ना ही मंदिर से हटेगा, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दी जाएगी। लेकिन राज ठाकरे अपनी जीत पर अड़े हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी फैसला कर लिया कि राज ठाकरे को अब वो बख्शेंगे नहीं, क्योंकि राज ठाकरे की वजह से देश के कई राज्यों में हालात खराब होते नजर आ रहे। तो वहीं राज ठाकरे के बयान का समर्थन जो है कई लोग कर रहे हैं, कई नेता कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के बचाव में संजय राउत और शिवसेना खड़ी है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा, और उद्धव ठाकरे की कुर्सी इस वक्त खतरे में। उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी भी बचानी है, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के माहौल को भी बेहतर करके रखना है। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और फिलहाल राज ठाकरे अगर गिरफ्तार होते हैं, राज ठाकरे के हाथ में हथकड़ी लगती है, तो मनसे क्या कदम उठाएगा, मनसे की तरफ से क्या कुछ बड़ी जो है कार्रवाई या कुछ बड़ा जो है वो देखने को मिल सकता है। हालाँकि मनसे जो है वो सीधे तौर पर राज ठाकरे का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का सपना राज ठाकरे पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दो भाइयों के बीच जो लड़ाई है वो सीधे सीधे सत्ता को लेकर होती नजर आ रही है, और इसमें हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद भी होता दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।